अनादि पहले जन्मों में ये जीव संसरित हो रहा था, जन्म मरण में पड़ा था। कदा चित्त तभी वर्णाश्रम भटकते भटकते मनुष्य योनि में आया, विशिष्ट वर्ण आश्रम उसको मिला। वहाँ पर यावत जीवन सुचोदनानी चुनतानी नित्याग्निहोत्रादी सम्यक अनुतिष्ठति, तो वहाँ पर अग्नि यावत जीव अग्निहोत्रम दुहयात इस श्रुति के वाक्य से प्रेरित होकर उसने नित्य अग्निहोत्रादी का ठीक ठीक अनुष्ठान किया तथा कदाचित ईषद आसादित परमेश्वर प्रसादात, फिर कभी थोड़ा बहुत ईश्वर की इच्छा से ईषद आसादित परमेश्वर प्रसादात, थोड़ा बहुत जो परमेश्वर का प्रसाद है उसका अग्निहोत्रादिशु दृढ़ श्रद्धा भवती। अग्निहोत्रादि में उसकी दृढ़ श्रद्धा होती है और दूसरे जो याद उनमें तथा ईश्वर प्रसादादेव चिंतयति, फिर ईश्वर के प्रसाद से ये सोचता है। मदीयम मन स्वर्गादि सुख साधना ने वृषति, मेरा मन स्वर्गादि सुख और उसके साधनों में ही साधनों की ही इच्छा रखता है। न तो मोक्षम तत्साधनम व ज्ञानम, मोक्ष और मोक्ष का साधन ज्ञान की इच्छा नहीं करता है। तत्सा अदृष्टमेव केवलम निमित्तम, तो इसका निमित्त अदृष्ट ही है। इसी तदर्थम यदितव्यम, इसलिए उसके लिए यत्न करना चाहिए। इसी विविधिशोद्देश है ना, विविधिशा माने वेदन माने ज्ञान की इच्छा से, तान्येव कर्मान्यनुतिष्ठति, उन्हीं कर्मों का अनुष्ठान करता है जो स्वर्ग के लिए कर रहा था वो विविधिशा के लिए करता है। जिहासा पुनरस्य उपावर्तते, जिहासा जो उसको आ जाती है, जैसा मान चाक की इच्छा। नित्य संभवती अनित्य कस्त छेद, जब नित्य मिल सकता है तो अनित्य में कौन संतोष करेगा, इसलिए कर्म फल वैराग उसको हो जाता है। पश्चात पश्चात शांति दांति आदि संपन्न होकर माने मन की इच्छा शांति, मन कर संकल्प कर छूट जाए वो शांति है, मन की का निग्रह शांति और इंद्रियों का निग्रह दांति, इससे संपन्न होकर दृढ़तर मोक्ष इच्छा करोति, दृढ़तर मोक्ष की इच्छा वो करता है। स्वयं साधन चतुष्टय संपत्ति, इसी का नाम है साधन चतुष्टय संपत्ति। तथा इष्टमान मोक्ष साधनम, तो इष्टमान जो मोक्ष है उसका साधन चिदानंद स्वरूपात्मक ज्ञानम, चिदानंद स्वरूपात्मक का ज्ञान है मोक्ष का साधन, उसकी इच्छा करता है। इसलिए नात्र अधिकारी दुर्लभ, यहाँ पर अधिकारी दुर्लभ नहीं है। तदिदम अनेन श्लोके न सूचितम, इस श्लोक से सूचित हुआ। ये कहा, अब श्लोक के शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। ये कहा एक सुत्याग क्रतु, उसका नाम एक है, इसमें एक बार अभिषय हो, अभिषय हो ऐसा याग एक सुत्याग क्रतु एक कहलाता है। अही नहा दह प्रभृति द्वारा सुत्यांत दो दिन से लेकर 12 दिन तक जिसमें सत्या होती है, मैंने वही सोम निकाला जाता है, वो अहीन कहलाता है। अहीन माने कई दिनों में जो संपन्न हो। सत्यम द्विधम एकम अह समुदाय साध्यम,
दो प्रकार के सत्व होते हैं, एक तो दिनों के समुदाय से साध्य होता है, यथा द्वादशाम, द्वादशाम जो है 12 दिनों से, द्वादशा अहिम सत्वात्मात्म, द्वादशा जो है वो अहिम सत्य अहिम कहलाता है, अहिम सत्वात्मक अहिम सत्वात्म सिद्ध है, मैंने दिन ही में तो होता है, वर्ष नहीं लगता इसमें, इसलिए अहिम कहलाता है। यदि तवयंती बलात् अवगतम, यदि तवयंती उभय श्रुति बलात् अवगतम, ये दोनों श्रुतियों के बल से अवगत। ये कौन सी श्रुति है? सत्र उसको कहते हैं जो अनेक यजमानों से किया जाता है, और एक से जो किया जाता है वो याग के नाथ, ठीक है। किंचित संवत्सर गण साधन, और कुछ ऐसे क्रतु हैं एक वर्ष में होते हैं, उपलक्षण में तक अग्निहोत्र आदि है, अग्निहोत्र आदि इसका उपलक्षण है। इतेषाम ये विधेय तद्विहितानि यानी अनेकानि अग्निहोत्र प्रवृत्तीनि, इनकी जो विधियाँ हैं जो अनेक अग्निहोत्र आदि जो हैं, सहस्र संवत्सर पर्यंतानि, सहस्र वर्ष संवत्सर तक चलती हैं, कर्माणि तेषाम अनुभवो, उनका प्रभाव क्या हुआ है? दूरित निर्वरण सामर्थ्यम, दूरित माने जो पाप है उनका निर्वरण दूरितों का निवारण का सामर्थ्य, ये उनका प्रभाव। तेन ध्वस्त शांत अंतकरण से उपरोधा, उससे ध्वस्त हो गया है अपने अंतःकरण का उपरोध माने विघ्न, विषा प्रतिबंधो, मोक्ष वेदन की इच्छा का प्रतिबंध इनका समाप्त हो गया है। ये शांति तथा कथम अपनी अनेक जन्म व्यवधान अपनी भले अनेक जन्म लग जाए तो भी पुरुषा साधन चतुर्थ संपन्ना अधिकारिणा, साधन चतुर्थ संपन्न अधिकारी सिद्धिक्षा माने अखंड चैतन्यात्मक प्रत्येक ब्रह्म साक्षात्कार इच्छा